कोरोना संकट के दौर में बहुत कुछ बदल गया। बदली हुई परिस्थितियों में लोग अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। लोगों में थकावट, घबराहट और तनाव की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कुछ लोग अपने जिंदगी को भी खत्म कर रहे हैं। जिसको लेकर साधना न्यूज के संवाददाता दीक्षा शर्मा ने मनोचिकित्सक डॉक्टर कृष्णा मिश्रा के साथ खास बातचीत की। कोरोना के चलते पिछले एक साल से लगे लॉकडाउन की वजह से लोगों की मानसिक स्थिति खराब हुई है, जिससे कि आत्महत्याओं का दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें इंदौर की ही, तो पिछले 20 दिनों में 40 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। इसी के लिए हम आज चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा के साथ में, जिससे हम इस बारे में बात करेंगे और इसका निदान पाने की कोशिश करेंगे। तो बताइए कि हमें इस चीज से कैसे निदान मिलेगा और अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि आत्महत्याओं का दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं सबसे पहले साधना न्यूज को थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं ना चाहता हूं कि आप आज यहां पर आए मुझसे मिलने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बीमारी के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, जो वो कहीं भी हो, चाहे वो मीडिया वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे उसका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो सराउंडिंग हो। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अपना रोल अदा करे तो इस बीमारी को अपन समझ सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर निजात पा सकते हैं। तो जैसे इन्हें बोला, सुसाइड आजकल बढ़ रही है, तो सुसाइड को रोकने के लिए हम सबकी बराबर जिम्मेदारी है। जैसे कई बार पेशेंट आता है हमारे सामने, तो हमने उसको समझा, ट्रीटमेंट दिया, दवाई दिया, बस चला गया। मतलब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, तो उसमें एक परिवार का भी रोल आ जाता है कि मरीज दवाई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, मरीज कैसा रह रहा है, मरीज का व्यवहार कैसा है, मन कैसा रह रहा है, मरीज के आसपास ऐसी कोई चीज़ तो नहीं पड़ी है जिससे वो आत्महत्या कर सकता है, ऐसे क्या क्या सर्कमस्टेंस बन रहे हैं जिसमें वो मरीज आत्महत्या कर सकता है। तो ये परिवार को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार समझेगा और परिवार उस चीज़ का ध्यान रखेगा और साथ में मरीज भी उस चीज़ को समझेगा, तो हो सकता है अपन आत्महत्या को रोक सकते हैं। साइमल्टेनियस अपन को हर एरिया में काम करना है ताकि वो मरीज और मजबूत बने। सिर्फ हमें बीमारी को नहीं समझना है, बीमारी के आसपास जुड़े हुए हर मुद्दे को समझना है जिसके कारण बीमारी डेवलप हुई या मरीज आज स्टेट तक स्टेट पर पहुंचा। तो ये क्या कारण है अचानक से कि इतनी ज्यादा मौतों का सिलसिला बढ़ गया है? मुझे लगता है कि आत्महत्या बढ़ने का जो कारण है, यदि अपन देखें, आज हर जगह कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आई है हर जगह। आप मार्केट में देखो तो मार्केट में क्या है कि थोड़ा सा मंदी का दौर चल रहा है। मार्केट में क्या है, जैसा पहले होना चाहिए था, लोग आजकल मार्केट में उतना खुली तरह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं, मतलब, और बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो इस कारण से बहुत सारे ऐसे बिजनेस कमज़ोर पड़ गए हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे इसके कारण से बीमारी का दौर बढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेस लेवल जो आजकल समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दैट में भी मानसिक तनाव की हम बात करें, तो इस टाइम पे बच्चों में बहुत ज्यादा तनाव है कि पिछले 1.5 साल से उनकी स्कूल बंद है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ये जो मोबाइल का दौर चला है जिससे बच्चों को पूरी पढ़ाई मोबाइल से हो रही है, तो ये कैसा असर डाल रही है बच्चों के मानसिक? मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों का तो हो ही रहा है, क्योंकि भाई जो मोबाइल से बच्चा ज़्यादा जुड़ रहा है, तो धीरे धीरे बच्चा पूरा इंट्रोवर्टेड हो जा रहा है। जो बच्चे को एक्सट्रोवर्टेड थोड़ा होना चाहिए, तो बच्चे की दुनिया पूरी लिमिटेड होती जा रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं जो बाहरी दुनिया से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जो उसको डिप्रेशन घटाता है, तो इस कारण से उसका डिप्रेशन और बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। तो परिवार की वहाँ जिम्मेदारी बनती है कि जब वो पढ़ाई का टाइम हो तब वो मोबाइल में रहे, लेकिन पढ़ाई का जैसे टाइम खत्म हो तो वो फिर वो नॉर्मल लोगों से मिले, परिवार से मिले, थोड़ा खेल कूद करे, ठीक है, तो इससे डिप्रेशन के चांस अपने घटेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा बच्चा 24 घंटे अपना मोबाइल में ही लगा रहता। कई बार ऐसा मैंने फैमिली में देखा है कि माता पिता अलग मोबाइल में लगे हैं, बच्चे अलग मोबाइल पर लगे, सब लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो इसके कारण धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। बच्चे कई बार मोबाइल में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है, निगेटिव इन्फॉर्मेशन रहती है जो बच्चे मोबाइल में देख लेते हैं, फिर वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये एज ए पेरेंट्स, एज ए जिम्मेदार एक नागरिक, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे वो चीज़ देखें, वो चीज़ सुने, वो चीज़ समझें जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उन्हें मजबूत बनाए, ना कि कुछ भी रैंडम देखते रहें। और साइमिल्टेनियस हमें टाइम भी बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए ताकि वो और मजबूत बन सकें। डॉक्टर कृष्णा मिश्रा ने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं कि हम अपने मोबाइल में ना लग के थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, हमारे परिवार को टाइम दें, जिससे कि हमारे परिवार में माहौल अच्छा बना रहे। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मैं दीक्षा शर्मा, साधना न्यूज़ इंदौर।